धौलपुर के पनागापुरा गांव में जलभराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही सरपंच पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और गबन करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 साल पहले ग्राम पंचायत की ओर से गांव में नालियों का निर्माण कराया गया था और जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग होने के चलते चंद महीनों में ही नालियां टूट गई और गांव में जलभराव की समस्या गहरा गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि घरों में नालियों का बदबूदार पानी जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी पोर्टल पर गांव की पोखर खुदाई और मरम्मत कार्य का हवाला देकर ग्राम पंचायत ने लाखों रुपए का राज्य सरकार को चूना लगाया है, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की समस्या ज्यादा खराब है, इससे आदमी बच्चे और लेडीज बहुत परेशान है। पानी पूरे गांव में भर रहा है, इसमें रास्ता जाने के लिए नहीं है, नाली बिल्कुल बंद पड़ी है, रेतों में नाली चुनी है और नाली गिर पड़ी है, वर्षा के पहले पानी से ढह गई है और नाली पूरी बंद पड़ी हुई है और पानी रास्ता गुजर नहीं रहा है, इससे इतनी परेशानी है कि आने सब्जी लेने के लिए परेशान है, क्योंकि टेम्पू निकलते नहीं है, वाहन निकलते नहीं है, बहुत पानी भरा हुआ है।